After the polling, EVM and VVPAD was brought to the strong room. All the EVM and VVPAD from 1,686 polling stations were brought. This EVM machine will be kept at the strong room with a strong security. मशीन दिले सामने After the first phase of election, EVM and VVPAD was brought to the strong room. West Tripura District Returning Officer Dr. Vishal Kumar said that all the EVM machine will arrive at the Umakanta Academy strong room within 10 p.m. तो देखिए अभी EVM जो है 1686 पोलिंग स्टेशन से मूव करके और 7 रिसीप्ट सेंटर में आएंगे जिसमें सबसे बड़ा जो रिसीप्ट सेंटर है जो 14 स्ट्रांग रूम के लिए है वो उमाकांता एकेडमी में है और सिपाही जिला में 3 सब डिवीजन वाइज 3 लोकेशन है साथ साथ एक गोमती और 2 साउथ में है हमने जो हमारे पास प्रेजेंट डाटा है देखा गया है कि 3 से 4% केसेस में EVM की में प्रॉब्लम आई है जो यूजुअली इसी प्रोपोर्शन में आता है और ये सारी प्रॉब्लम शुरुआत में आई थी बाद में इनको रिजॉल्व कर लिया गया और कहीं भी EVM की वजह से प्रोसीजर में डिले नहीं पाया गया है इक्का दुक्का जगहों पर थोड़ा हो सकता है लेकिन ज़्यादातर जगहों में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ हम लोगों ने EVM को यूज़ किया है और EVM आना शुरू हो गए हैं 30 से 40% EVM ऑलरेडी हमारे सेंटर्स में पहुंच गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सारे EVM लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में हमारे पास आ जाएंगे और फुल प्रोसीजर जो है जिसको हम स्ट्रांग रूम क्लोजर हैं कहते हैं ये भी 12 से 1 बजे के बीच में हमारे उमाकांता अकेडमी में हो जाएगा और हो सकता है कि पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 1-1.5 बजे तक इस चीज़ें फाइनलाइज हैं स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी कितना है और क्या फैसिलिटी है स्ट्रांग रूम में एज पर स्टैंडर्ड एक प्लाटून दिया गया है जिसमें यूजली 24 से 28 लोग होते हैं तो इन 7 लोकेशन पे इतने ही 24 से 28 लोग हैं और ज़्यादातर जो ये हैं आइदर CRPF के लोग हैं अथवा BSF के लोग टिल द लास्ट रिपोर्ट द वोट परसेंटेज ऑफ वेस्ट त्रिपुरा सीट इज 80.40% बट द परसेंटेज ऑफ वोट कास्टिंग विल इंक्रीज इवेंचुअली आफ्टर द पोलिंग सेड वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर विशाल कुमार Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.